जैसे जैसे कैराना उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे यहाँ का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कैराना उपचुनाव को लेकर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अचानक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। कैराना उपचुनाव में महागठबंधन द्वारा पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी और महागठबंधन प्रत्याशी में घमासान होने की संभावनाएं हो गई। लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच अचानक भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण के जेल से ही चुनाव लड़ने की अफवाह ने पूरी सियासी हवा में गर्माहट ला दी। सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाह के मुताबिक भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण कैराना उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक जिले का ही एक दिग्गज कांग्रेस नेता ने पर्दे के पीछे से चंद्रशेखर को उतारने की तैयारी की है। सोशल मीडिया पर फैली इस खबर के बाद कैराना उपचुनाव को लेकर सारे समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी सियासी दल नए सिरे से अपने समीकरणों को बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इन चर्चाओं को भीम आर्मी ने कोरी अफवाह करार दिया है। भीम आर्मी का कहना है कि यह सिर्फ अफवाह है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन गैर राजनीतिक संगठन है जिसका कैराना उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं और न ही चंद्रशेखर की चुनाव लड़ने की कोई तैयारी है। फिलहाल भीम आर्मी ने इसे एक अफवाह और सिर्फ चुनावी समीकरण बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।